हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। आज मैंने अपना फिशपोट खाली किया तो सोचा एक वीडियो इस पे भी बनाते हैं कि हम कैसे अपने फिशपोट को तैयार करते हैं। एकदम खा लिया मैंने इसको, अच्छे से साफ़ किया हुआ है। और ये हमारी इसमें मछलियाँ हैं, ये 2 दिन पुराना पानी है क्योंकि ताज़ा पानी जल्दी से यूज़ नहीं करते हैं। और चलो तैयारी करते हैं। अपने ये स्टोन इसलिए डाले हैं क्योंकि इनसे मछलियों का पानी बहुत सुंदर दिखता है। इनको धीरे धीरे मतलब अच्छे से फैला के एक लेयर बना देंगे स्टोन की, ताकि ये पूरे में अच्छे से फैल जाए। देखिए, अब मैं मछलियों के लिए एक घर लेके आई थी, तो प्लीज़ देख के बताइएगा घर मछलियों का कैसा लगा है। अगर आपको ये घर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब चलिए देखिए, ये हो गया पूरा काम कम्प्लीट। अब हम इसमें फिल्टर लगाते हैं। अब ये देखिए, फ़िल्टर आपकी मर्जी है, आपको कितना ऊपर लगाना है, या आपके पास अगर कम मछलियाँ हैं तो उसको उसी हिसाब से सेट करिएगा। मेरे पास इस टाइम 15 से 16 मछलियाँ हैं जिनके लिए मैंने इतने ऊपर फ़िल्टर लगाया है। अब ये देखिए, कुछ ही पेड़ हैं ये कलरफुल, क्योंकि समुद्र के अंदर कलरफुल पेड़ मिलते हैं। और ये मछलियों के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मछलियों को कभी डर लगता है तो इनके अंदर छिप जाती हैं। तो देखिए, फिशपोट पूरी तरीके से तैयार होने वाला है। बस इसमें पानी डालना है, और पानी को इतना मतलब इस हिसाब से डालिए कि आपके स्टोन एक ही साइड से हटें। अगर आप बीच बीच से पानी डालोगे तो ये स्टोन सारे एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको एक ही साइड से पानी डालना है। ये देखिए, अब हमने पानी का काम कम्प्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब मेरा फिशपोट तैयार हो चुका है। ये दे रही हैं, अगर आपको मेरा फिशपोट सजाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो तभी वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी इसके अंदर एक कमी है कि अभी मैंने इसके पीछे वॉलपेपर नहीं लगाया है। अगर आपको वो अगली वीडियो में वॉलपेपर देखना है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो और वीडियोस हैं वो आप तक टाइम से पहुंच सके और आप हमें इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।